तो इस संसार में किसी भूखा को आज खाना खिला दिए तो फिर वो काल भूखा होगा, किसी रोगी व्यक्ति को आज दवाई दे दिए, इलाज करा दिए तो फिर काल जाके वो रोगी होगा, उसको फिर रोग आएगा, बीमारी आएगा। किसी व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है, तो सबसे पहले उसकी जो साड है कोड उसको नहीं निकालना चाहिए, उस व्यक्ति को पूरा निकालना चाहिए। अब उसकी कला और साठ पकड़ के खींच रहे हो। अगर आप उसी प्रकार से मानव कल्याण, मानव सेवा, समाज सेवा, लोक कल्याण करना चाहते हैं तो सबको कृष्ण भक्ति में लाना होगा। ये जो भगवत भक्ति का ज्ञान है हर किसी के पास जाना चाहिए, हर किसी के पास प्रचार करना पड़ेगा आपको। हर मनुष्य को कृष्ण भावनामृत भावित करना पड़ेगा, वो जाके असली मानव कल्याण है, समाज कल्याण है, जिससे मनुष्य समझ सके जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम प्राप्ति क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म, क्या उद्देश्य क्या है हमारी जिंदगी का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उद्देश्य है भगवत भक्ति का। प्रचार, भगवत भक्ति का ज्ञान हर किसी में देना और हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना, हरि भक्ति करना, हर किसी को कृष्ण भक्ति में लगना। अगर ये आपके जिंदगी में नहीं है, ये आप नहीं कर रहे हो, तो आप पशु के समान हो, आपकी जिंदगी खोखला है। ये है वास्तव में जीवन का उद्देश्य, भगवत भक्ति की प्रचार करना, भगवत नाम का उच्चारण करना। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप गोखरा हो, पशु तुल्य हो, आप खोखले हो एकदम आपके। इसीलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में अपना लो, साधु संघ को अपनी जिंदगी में अपना लो, शास्त्रों की अध्ययन करो, नहीं तो ये जीवन आपकी बेकार हो जाएगा, टोटली बर्बाद।